हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एनबीसीसी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनबीसीसी का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने की कोशिश किया था एक बेयर ट्रेंड के साथ, और हर एक लेग के अंदर इसने वेज का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसने अपना बॉटम को क्रिएट किया है और फिर यहाँ पे डबल बॉटम को क्रिएट किया है। और यहाँ पे जब इसने टू लेग का फॉर्मेशन को कंप्लीट किया, उसके बाद एक बेयर फ्लैग के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया था और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने बेयर फ्लैग को भी ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे भी ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने की कोशिश कर रहा था। जनरली एक ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद जब टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आता है, वो एक पुल बैक होता है। तो यहाँ पे ये एक बेयर फ्लैग के अंदर था, मगर ये एक बुल ट्रेंड का फॉर्मेशन भी था या बुल चैनल का फॉर्मेशन भी था। तो इसे ब्रेकआउट करके जब ये नीचे आने की कोशिश किया है, तो टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आया है और यहाँ पे इसके साथ इसने डबल बॉटम क्रिएट किया है जो कि है हायर बॉटम। तो हायर बॉटम के बाद यहाँ पे ये करेंटली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको कहा है, वो जहां से स्टार्ट होता है प्राइस उसके आसपास जाने की कोशिश करता है या एटलीस्ट 80% रेडिएशन के अंदर। तो यहाँ से वेज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, ये तीन लेग इसने कंप्लीट किया है। यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लेग हो गया, यहाँ पे ये सेकेंड लेग के साथ यहाँ पे टॉप पे आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे भी इसका एक वेज का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेशन है, तो हर एक पॉइंट पे इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसका जो टारगेट था वो की है यहाँ 60 के पॉइंट के आसपास, उसके बाद 70 के आसपास। तो करेंटली आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 के आसपास आके प्राइस यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो करेंटली आपके पास अगर स्विंग पोजीशन है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने पिछले टाइम के वीडियो में आप लोगों को बताया था, जब प्राइस यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा था तो बताया था यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का कोई भी पोजीशन नहीं है, मगर ये प्राइस एक्शन एक बुल फ्लैग के अंदर है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी है, मगर यहाँ पे कब आपके लिए आइडियल पोजीशन बनेगा, पोजीशन तब बनेगा जब ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। मगर ये एक टाइट ट्रेडिंग रेंज के अंदर होने के कारण यहाँ पे जब ये नीचे ब्रेकआउट करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा और एक पुल बैक करने के बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है उसे तोड़ के प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस एक्शन है ऊपर उतना भी हो सकता है, या यहाँ पे 62 के आसपास भी इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे आपके लिए कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं है। ऑलरेडी अगर आपके पास पोजीशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर आपके लिए टेक प्रॉफिट लेना बेहतर होता अगर आप यहाँ पे लेते। और अगर आपने अभी तक टेक प्रॉफिट नहीं लिया है, तो यहाँ पे कंपनी के शेयर को सिंपली आप होल्ड कर सकते हैं और ये जो स्विंग पोजीशन लो है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस को रख सकते हैं जो कि है 50 के थोड़ा ऊपर। और यहाँ पे फर्दर प्राइस का ऊपर नहीं जा सकता है, बिल्कुल ऊपर जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल पॉइंट पे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जैसे कि 70 के आसपास मिल जाएगा आपको, 80 के आसपास, उसके बाद 100 और उसके बाद 150 के आसपास। तो ये जो बिग टारगेट है, यहाँ तक पहुंचने के लिए कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इसका जो सेक्टर है वो भी पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन भी अच्छा होना चाहिए। और करंट सिचुएशन में ओवरऑल मार्केट एक निगेटिविटी के अंदर है, तो यहाँ पे ये और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, फर्दर ये नीचे ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है। मगर यहाँ पे आइडियल स्विंग पोजिशन तब होगा जब यहाँ पे ये टॉप को तोड़ के यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब आपके लिए नया पोजीशन बनेगा। करंट सिचुएशन में यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको सिंपली निकल जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडर वालों को जैसे मैंने कहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे पुल बैक करने दीजिए, उसके बाद जब ये बुल रिवर्सल के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब अगर आप पोजीशन लेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉफिट होने लगेगा।
तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है कि नहीं, और उसके साथ साथ इसका जो सेक्टर है वो भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद अगर ओवरऑल मार्केट का कंडीशन अच्छा रहता है तो प्राइस एप्रिसिएशन का चांसेस हाई होता है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से ₹50 तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।